परसों शाम को हमारे जो कर्मचारी थे उनके पास जुल्फिकार चिश्ती नाम का व्यक्ति आया जो कि खादी में, और आके उसने एक ज्ञापन के तौर पे एक कागज़ दिया। उसके बाद वहाँ पे हमारे कर्मचारियों के साथ जो दरगाह के जो का जो स्टाफ है उसके साथ बदतमीजी की, अभद्र गालियाँ दी और ये कहा कि तुम्हारे सदर को हम देख लेंगे और देखते हैं कि वो यहाँ पे कैसे काम करता है, अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे हमसे कोई जीत नहीं सकता है, और जान से मारने की धमकी दी, गालियाँ दी, बदतमीजी की, स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की। उन्होंने समझाने की कोशिश की तो लड़ने पे उतारू हो गए, और उसके बाद वहाँ पे जो शाहनवाज जिससे शाहनवाज थे उसके बाद ये वहाँ से जो हमारे जो ऑफिस है हमारा जो के दरगाह गेस्ट हाउस का वहाँ पर भी आए। वहाँ हमारे असिस्टेंट नाजिम थे शादाब और भी लोग थे, तो उनसे भी आके इन्होंने वही बातें की और बोले मैं देख लूँगा और मैं ऐसा कर दूँगा, बदतमीजियाँ की, अभद्र गालियाँ दी और फिर कहा कि अब देखते हैं कि उनको कौन बचाता है, और गालियाँ की। और उसके बाद जब देखा कि वहाँ पूरे कर्मचारी थे, बहुत सारे लोग आ गए, तो वो वहाँ से वापस चले गए। मैं ऑफिस के अंदर ही था, मुझे बाद में पता लगा, हो सकता है कि अगर वो आते कोई बात हो जाती तो हमने पुलिस में कंप्लेन दी, क्योंकि वो लगातार इस तरह की घटना मतलब वारदात को अंजाम दे रहे, लगातार वो आते कर्मचारियों को धमकाते, गालियां देते, बदतमीजियां करते, तो कर्मचारियों के अंदर एक डर का माहौल है। इसलिए हमने कल एक मुकदमा उनके खिलाफ़ दर्ज कराया ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। और वो दरगाह पूरी कमेटी को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे, कभी मंत्रालय में लेटर लिखते हैं, और उनका मकसद वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं या हमारे साथ कुछ और घटना करना चाहते हैं, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन बड़ी क्योंकि हम ये जो दरगाह कमेटी ये काम करना चाहती है दरगाह के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये लगातार रुकावट पैदा कर रहे। हम यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लाए उसका लगातार विरोध करते, स्कूल को का एफिलेशन कैंसिल कराने की बात करते, टॉयलेट नहीं बनने दे रहे, जो भी दरगाह के लिए हम काम करते उसमें लगातार रुकावटें पैदा कर रहे, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा पे उतारू है, मारने की धमकी देते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए, तो और कर्मचारियों के साथ जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, भारत सरकार के अधीन आते हैं, उनके साथ गालियां देना, बदतमीजी करना, लगातार मारपीट करना, ऐसी घटना इसका कुछ इल्म नहीं है कि वो इस तरह की क्यों घटना कर रहे। जैसे उनका इतिहास पता लगा कि वो लगातार जो भी दरगाह कमेटी आई उनको परेशान करते थे, और हमको भी शायद उसी लिए कर रहे या पर्सनल क्यों कर रहे हैं मुझे उसकी जानकारी। हाँ बिल्कुल, जुल्फिकार चिश्ती है, मुनव्वर काजी है, पीर नफी से ये दो तीन लोग हैं, लगातार लेटरबाजी करते हैं, लगातार प्रेशर करते हैं, लगातार हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके साथ बदतमीजी करते हैं। आपको भी धमकी दी जाती है? बिल्कुल, मेरे लिए वहाँ सबके सामने बोल के गए, बोले उसको पहले भी दी थी, मैंने पहले भी एक कंप्लेन दी थी कि इनसे जान का खतरा है, ये बोलते हैं कि अजमेर में आके देख ले, अगर मेरे को चेयरमैन के नाते मुझे दरगाह पे आना पड़ेगा, अजमेर में आना पड़ेगा। और कल जब इन्होंने परसों जब ये आए तो जो जुल्फिकार चिश्ती, तो उन्होंने बहुत अभद्र गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी कि कौन बचाएगा तुम्हारे सदर को, मैं देख लूंगा। कौन से थाने में कंप्लेंट करी आपने? ये थाना दरगाह थाना के अंदर मुकदमा दर्ज कराया है। कल दरगाह कमेटी के नाजिम साहब है, दरगाह के सहायक नाजिम व कार्यालय अधीक्षक ने थाने को उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि साहब 6 तारीख को शाम को जुल्फिकार चिश्ती इनके कार्यालय पे आया और उनके काफ़ी कार्यालय कर्मचारियों को धमकाया, गाड़ी की लोच की, उनके अध्यक्ष के संबंध में भी गलत शब्द काम में लिए, उनके संबंध में भी धमकी दी, इस तरह की रिपोर्ट पेश की थी। इस पर राहत कार्य बाधा व गाड़ी की लोच के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उसका अनुसंधान किया जा रहा है।